और अभी मेरे को पता चला कि यहाँ पे बहुत क्यूट क्यूट लैब्राडोर के बच्चे हैं। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब लोग घर पे ही होंगे। अच्छा जा रहा होगा क्वारंटाइन, बढ़िया एंजॉय कर रहे होगे पेरेंट्स के साथ, आराम कर रहे होगे, मूवी देख रहे होगे, बैठे बैठे खाना मिल रहा होगा, कोई काम करना नहीं पड़ रहा होगा और बहुत अच्छा लग रहा होगा इतने दिन घर पे रहने में, है ना? तो इसी लॉकडाउन में मैंने सोचा था कि कुछ बनाया जाए, तो मेरे दिमाग में कुछ आ ही नहीं रहा था और कोई बता भी नहीं रहा था मेरे को। तो मेरे दिमाग में ख्याल आया कि क्यों ना कुछ ब्लॉग बनाया जाए। तो मैंने सोचा कि साइकिलिंग पे ब्लॉग बनाया जाए, तो मैं साइकिलिंग पे जाऊंगा लॉकडाउन में। ऐसा नहीं है कि मैं पब्लिक एरिया में जा रहा हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। वैसे भी लोग तो निकल नहीं रहे, पर जहाँ मैं रह रहा हूँ जो अवधपुरी है वो भोपाल, यहाँ है भोपाल तो अवधपुरी यहाँ पे, ठीक है, और अवधपुरी के भी इधर में है, मतलब मेरा जो घर है वो पूरे भोपाल के कोने में है, ठीक है। मेरे जो घर है उसके सामने से एक हाईवे टाइप का निकलता है रोड, और वो मेरे घर के बाद, मीर कॉलोनी के बाद वो एंड हो जाता है, तो वहाँ पे लोग आना जाना नहीं करते हैं। उसी रोड पे अपन साइकिलिंग कर सकते हैं। और मैं सच कह रहा हूँ, मैं बहुत दिन से नहीं निकला हूँ घर से बाहर, मैंने मतलब पूरे तरीके से निभाया है लॉकडाउन। अच्छा सुनो, ये जितनी भी पहले मैंने बात बोली, आई नो सबके घर में इसका अपोजिट ही हो रहा होगा, सब घर पे काम कर रहे होंगे दिन रात, टोक तो इतने आ रहे होंगे इधर से उधर से, सब तरफ से टोक मिल रहे होंगे, आराम करने मिल नहीं रहा होगा, काम पे काम, काम पे काम। तुम्हें क्या लग रहा है, ये कॉफी है या चाय है? कुछ भी नहीं है, खाली। अच्छा ये तो फेक था, पर करना पड़ता है। वो जो गिटार है वो फेक नहीं है, वो बजता है, बजा के दिखाता हूँ। मैजिक, सब चीज मैजिक में होता है। तो ना मुझे ये पता चला कि जो मेरा गिटार है ना ये अनट्यून है, और मेरे पास ट्यूनर नहीं है, और मेरे फोन में बिल्कुल भी स्पेस नहीं है। अगले व्लॉग में बिल्कुल मैं सुनाऊंगा तुम्हें बजा के, क्योंकि अभी ऐसा बज रहा है। अच्छा एक और बात, इस लॉकडाउन में बहुत से चेंजेस देखे होंगे तुम लोग ने, मेरे बाल बढ़ गए, अभी और बढ़ेंगे क्योंकि काटने वाला कोई है नहीं और अपन खुद तो काट नहीं सकते, तो बढ़ ही रहे हैं, अभी और बढ़ेंगे जब तक लॉकडाउन है तब तक। ऐसा नहीं है कि बाल ही बढ़े, मैं गोरा भी हो चुका हूँ, टैनिंग कम हो चुकी है, बहुत टैन हो चुका था मैं पहले, धूप में निकलना आना जाना रहता था इसलिए, और घर पे रहने का मतलब ये अपने को फायदा मिल चुका है। ये जो पीछे गाना बज रहा है ना, दो मिनट, मेरे भाई ईशान शुक्ला का है, इस ओके करके इसका चैनल है, बहुत अच्छा रैप लिखता है और बनाता है और वीडियोस भी बहुत अच्छी डालता है, तो गाइस सुन लेना और डू लाइक कमेंट एंड शेयर, और उसके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो इस पूरे लॉकडाउन में मैंने क्या क्या किया है वो मैं तुम्हें बताऊंगा। तो मैंने किया है, सो गाइज
सुबह हो चुकी है। मैं ना वीडियो 4:30 बजे से बना रहा था सुबह के, तब अंधेरा था। तो अब मैं जा सकता हूँ साइकिलिंग पे, तो इस ड्रेस पे तो मैं नहीं जा सकता। नहीं, चेंज मेरे को मैजिकली करना पड़ेगा, सब मैजिक में ही होता है यहाँ पे। तो उसके लिए ना ये जो मैजिक है, जो कपड़े चेंज करना है, गिटार लाना एकदम से, उसके लिए एक ट्रिक होती है। एक जगह सेट होना पड़ता है, सब तरफ से नाप लो अच्छे से, फिर उसके बाद हिलना नहीं, जैसे थे वैसे ही रहना है। ठीक है, चुटकी बजाते ही होगा ये सब, ऐसे हो गया ना। तो यही तरीका होता है, ये जो भी है ये मैजिक है, आप भी ट्राई कर सकते हो। तो हम लोग चलते हैं साइकिलिंग पे। तो अब टाइम हो चुका है चलने का, बहुत अच्छा सुबह मौसम, फ्रेश एयर मिलेगी, तो अपन चलते हैं। अभी तो मैं मास्क उतार सकता हूँ क्योंकि मैं बहुत ही कोने में हूँ। सबसे पहले मैं साइकिल दिखा देता हूँ, आओ पास से देख लो। अगर किसी को साइकिल लेने का बहुत ज़्यादा ही जागा है और उनको साइकिलिंग करना है, तो आई विल रिकमेंड कि तुम लोग ना यही साइकिल लो, फ्रॉक की। वैसे आती बहुत सारी हैं, हीरो, फायरफॉक्स और पता नहीं, पर अगर लेना ही है तो तुम फ्रॉक की ही लेना, बहुत ही अच्छे हैं। इनके जो साइकिल्स हैं वो बहुत, मतलब वेराइटी बहुत सारी है इसमें, गेयर वाली आती है, नॉन गेयर वाली आती है। मैंने तो गेयर वाली ली है। और एक फ़ायदा और हुआ पूरे इस लॉकडाउन में, अपने को पता था कि अपन निकल तो सकते नहीं है गाड़ी से, तो मेरे को, मैंने इस पूरे लॉकडाउन में साइकिलिंग ही करी है। तो अब अपन चलते हैं साइकिलिंग पे। तो यार जैसे जैसे 7:30 बज गए, वैसे वैसे बहुत ज़्यादा ही धूप हो गई, तो मेरे को धूप में ब्लॉग करना पड़ रहा है। एक ख़ास बात है इस साइकिल की, रोड पे, नॉर्मल रोड पे तो ये स्मूथ चलती है, और ऐसे हाईवे और इस टाइप की रोड में और स्मूथ हो जाती है। तो ये वही रोड है जिस रोड की मैं बात कर रहा हूँ, 80 फीट, और यहाँ पे वो जाके रोड ख़त्म हो जाती है, तो यहाँ गाड़ी ज़्यादा आना जाना नहीं करती है। इस साइकिल में ये ख़ास बात है कि अगर तुम चला रहे हो और तुम्हारी हाइट लंबी है और तुमने सीट ऊपर करके रखी है, और तुमने अगर अपने किसी छोटे को दिया, तब दिक्कत हो जाएगी। तो इसमें ऐसा नहीं है, आप दिक्कत होने ही नहीं दोगे। आप क्या करोगे, आप ना इसको यूं करोगे, ये जो है इसको ढीला करोगे और सीट को ऊपर या छोटी कर सकते हो। मैं इतनी रखता हूँ, इसको वापस ऐसा कर दो। और अभी मेरे को पता चला कि यहाँ पे बहुत क्यूट क्यूट लैब्राडोर के बच्चे हैं, इसके बच्चे हैं। और आप कैसे हो, मैंने सुना है आप माँ बन चुकी हो, बहुत सारे बच्चे हैं आपके, आप ना वीडियो में आ चुके हो और YouTube में भी आ ही जाओगे। तो अब मैं एकदम नेचर में आ चुका हूँ। ये ऑफ रोडिंग के लिए भी बहुत अच्छी है। ये साइकिल लिए मुझे पूरा साल हो गया है और मुझे अभी तक कोई दिक्कत नहीं आई है। यार एक बात और, मैं जानता हूँ मेरा जो व्लॉग है ये बहुत जगह से लोग देखते हैं, मतलब हर जगह से देखते हैं, पर यार देखते ही हैं, उनको लाइक शेयर करना पता नहीं भूल जाते हैं। तो यार थोड़ा अगर तुम लोग हेल्प करोगे, समझ रहे हो ना आगे क्या होगा।
तो साइकिल चलाने का एक अलग ही मज़ा है। सुबह के बज चुके हैं 8:18 और धूप बहुत ज़्यादा ही तेज़ हो गई है। और साइकिलिंग करना चाहिए यार, सबको करना चाहिए साइकिलिंग। मैं डेली लाइफ में एक ऐसा कोई सा वर्कआउट, चाहे वो तुम जिम कर रहे हो, चाहे साइकिलिंग कर रहे हो, चाहे होम वर्कआउट, कुछ भी हो सकता है, लड़कियों के लिए भी और लड़कों के लिए भी, दोनों के लिए ये चीज़। और साइकिलिंग करने से अलग ही एक मज़ा है, मतलब तुम कहीं भी जा सकते हो, इसके कोई पेपर्स नहीं लगते। और हेलमेट पहनना इतना भी ज़रूरी नहीं है। अगर तुम लोग चाहते हो कि मैं साइकिलिंग ब्लॉग एक और बनाऊं और कहीं अच्छे जगह जाके बनाऊं, तो तुम प्लीज़ कमेंट्स के बता सकते हो। बहुत तेज़ थी इसलिए मैं थोड़ा छाँव में आ गया, रोड से अलग। तो ना इस साइकिल की खास बात अब मैं तुम्हें बताता हूँ। पीछे हैं इसके 6 गियर, इसके जो पैडल हैं वो मेटल के हैं। शॉकअप जो है वो जूम ऐप, क्या बोल रहा, जूम ऐप कहाँ से आ गया, शॉकअप जो है वो जूम के हैं। और जो टायर्स हैं वो मेड इन श्रीलंका। गियर दोनों तरफ के शिमानो के हैं। ये फ्रॉक का लोगो ऐसा है। और जो नोज़ल है हवा भरने का, वो जैसे बाइक में डलते हैं और जैसे स्कूटी में डलते हैं, वैसी नोज़ल है इसके। इसमें एक ख़ास बात और है, अगर तुम्हारे डिस्क ब्रेक अगर किसी वजह से ख़राब होते हैं तो आप यहाँ पे नॉर्मल ब्रेक्स भी लगा सकते हो। पीछे में भी यही दिया हुआ है। वैसे इसमें लगा हुआ था मड गार्ड, पर मैंने थोड़ी अच्छी दिखने के लिए उसको निकाल लिया। पिछले बार के फीचर कमेंट्स आपके स्क्रीन में ये रहे। तो गाइज आज के लिए बस इतना ही। अगर ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक करना, और क्यों लगाओ तो कमेंट करना, और शेयर करना बिल्कुल मत भूलना, और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। और अगर ब्लॉग अच्छा नहीं लगा हो तो अनलाइक कर देना, कोई दिक्कत नहीं है। कीप सपोर्टिंग मी गाइज, अगली बार अगली ब्लॉग में मिलते हैं।